भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट भव्य बिश्नोई, बहुत ही भव्य जीत हुई है। इसके लिए आदमपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जो भी लोग इन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी अथवा अन्य सब जिन लोगों ने भी इस चुनाव में मदद की है, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जीत के साथ भव्य बिश्नोई हमारी जो असेंबली है उसका यंगेस्ट मेंबर हो गया है। अभी तक तो दुष्यंत चौटाला वो यंगेस्ट मेंबर इस नाते से थे, अब भव्य बिश्नोई जो है यंगेस्ट मेंबर हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी संख्या अब 40 से 41 बीजेपी की अपनी हो गई है और कांग्रेस की घट करके 31 से 30 रह गई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन भी असेंबली की रचना में। क्या क्या विकास के काम होंगे सर आदमपुर के अंदर, क्योंकि विपक्ष का पहले वहाँ पर एमएलए था, अब सत्ता का एमएलए आ गया। देखिए वैसे तो हमने ये कहा कि एक समान विकास पूरे प्रदेश में हम करवाते हैं, फिर भी जो विधायक होते हैं उनकी अपनी कितनी मेहनत है और कितना वो आगे बढ़ करके विकास के काम अपने क्षेत्र में करवा लेते हैं उन पर भी निर्भर होता है। अभी तक चूँकि क्षेत्र विपक्ष के विधायक के नाते रहा है, हमने यहाँ भी पिछले 8 साल में लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर के काम यहाँ करवाए हैं, फिर भी हमारा जो नया यंग एक मेंबर ये बना है और इसमें लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, तो अगले 2 साल के अंदर बहुत काम जो भी वहाँ के बच्चे हैं पूरे कराएंगे। अभी हमने वहाँ कॉलेज भी खुलाया है, हमने वहाँ जो रेलवे लाइन का अंडरपास है, ओवर ब्रिज दो वो बनवाए हैं, पानी की व्यवस्था, नहरों का रीमॉडलिंग का काम ये भी काफ़ी कराया हमने। ऐसे नए प्रोजेक्ट बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की क्योंकि एक इलाका पिछड़ापन कांग्रेस के समय से ही रहा है, और जैसे मैंने वहाँ विधानसभा में वहाँ रैली में भी कहा था कि वहाँ के लोगों के साथ एक धोखा हुआ था उस समय, उस प्रकार के बचे काम सारे के सारे जो वहाँ के लोग बताएंगे, जितनी वहाँ की अपेक्षा होगी उस सबको पूरा करेंगे। सर पराली के लिए कौन जिम्मेदार है? हम तो नहीं है सर, हिमाचल में पंजाब है सर, क्या पंजाब है जिम्मेदार? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।